हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी डिस्कस कर चुके थे एंड क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका सेम एज बेस्ड ऑन ए है। सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करने से पहले इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना होगा। सपोज 34%, सो रिमूव दी साइन परसेंटेज एंड पुट दी 100 इन डिनोमिनेटर। ओके, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, कल मैंने बताया था 1/100। परसेंटेज मीन्स 1/100, सो रिमूव दी साइन परसेंटेज एंड पुट दी 100 इन डिनोमिनेटर। ओके, सो बोथ दी टर्म्स इज कट द टेबल ऑफ टू। ओके, सो 217 आ 34 एंड 250 आ। ओके, सो फाइनल आंसर देखिए फ्रैक्शन में आ गया। सो रेशियो इज इक्वल्स टू, इसी को रेशियो में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 17 और ये रेशियो का साइन होता है डबल वाला, जैसे टाइम डिनोट करने के लिए नोट करते हैं वाई वाला साइन रेशियो का होता है। जैसे 9:20 नोट करना होता है टाइम को तो ऐसे नोट करते हैं 9:20 AM 10:15 PM इस टाइप से। तो ये जो ये साइन होता है इसी को क्या बोला जाता है, रेशियो। ओके, सो 17:50 फर्स्ट वाला न्यूमरेटर को शो करता है और सेकंड वाला डिनोमिनेटर को। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ये तो समझने वाली बात है, नोट मत कर देना पेपर में। सेकंड वाला 6% है वो आप घर में ट्राई करेंगे एंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका है 1.5%। ओके, सो 1.5% वाला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 1.5%। ओके, तो 1.5% मींस 1.5 एंड परसेंटेज मींस 100। ओके, परसेंटेज मींस 100। सो बिकॉज परसेंटेज मींस 1/100, तो रिमूव द साइन एंड राइट दी 100 इन डिनोमिनेटर। सो पॉइंट को रिमूव करा के जीरो क्या करेंगे, इसके सामने नोट करेंगे एंड बोथ दी टर्म्स इज डिविजिबल बाय 5, सो डिवाइडेड बाय 5, सो 5 3 15 एंड 5 2 10 एंड 00 200। ओके, सो रेशियो इज इक्वल्स टू 3:200। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं पहले। सो फोर्थ वाला होल पे है, एक बार ट्राई करिएगा। 2 होल 1/5% है, ठीक है। सो इसको सबसे पहले इन प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 5 2 10 1 11/5%। ओके, और जैसे परसेंटेज का साइन रिमूव होगा 11/5 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/100 के साथ, और जैसे ही 1/100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 1 11 एंड 500 500। ओके, तो इसको इसका रेशियो क्या होगा, 11:500, क्योंकि दोनों नंबर्स किसी कट से कट नहीं हो रहे हैं। ओके, सो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करने का था, अब जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो से परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो बिल्कुल जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन था वैसे ही बिल्कुल सेम एज आपका फोर्थ डी नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करते थे,
5/12 को अगर रेशियो में परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो क्या करते थे, 100 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज ये जो डिनोमिनेटर वाला 100 है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ओके, सो कटिंग कर लेते थे परसेंटेज में आंसर आ जाता था। सेम एज क्वेश्चन डी ऑफ 1BS इसी टाइप का है, 2:3 है, ये रेशियो है, रेशियो इज गोज टू 2:3, सो फ्रैक्शन इज गोज टू 2/3, वी आर टी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, सो 2/3 इनटू 100 एंड ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज साइन। ओके, सो मल्टीप्लाई करा लीजिए 200 upon 3 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज। ओके, सो ये हो जाएगा 66/3 परसेंट। ओके, सो आई थिंक कितनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, सो मतलब चाहे फ्रैक्शन में गिवन हो या रेशियो में गिवन हो, चाहे फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो चाहे रेशियो का क्वेश्चन हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस एक ही है, ठीक है। सो एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला थर्ड, 1:4 डी ऑफ थर्ड। ओके, डी ऑफ थर्ड, सो रेशियो इज गिवन 1:4, सो फ्रैक्शन इज गोज टू, इसी का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 1/4। ओके, इसी का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 1/4, एंड कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज इज गोज टू 1/4 इनटू 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज साइन। ओके, तो 4 1s 4 4 2s 8 4 5s 8, सो 25 1s 25%। ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई भी देख लेते हैं, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड दी वैल्यू। ओके, फाइंड दी वैल्यू, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 25% ऑफ 1000, सो 25 और परसेंटेज को साइन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ 1000, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ऑफ की प्लेस में मल्टीप्लाई का साइन करके 1000। ओके, परसेंटेज रिमूव होगा 100 डिनोमिनेटर में आएगा, ऑफ रिमूव होगा मल्टीप्लाई होगा। ओके, एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1000 इज 1, सो क्रॉस में देखिए टू जीरोस कट हो रहे हैं, और फाइनल आंसर 25 × 10 मींस 250 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप घर में ट्राई करेंगे, अब टू होल यहीं पे देख लीजिएगा, 2 whole 3/5 है, तो 5 2s 10 1 13/5% ठीक है, फ्रैक्शन को अब इसको ऑफ 5 के मीटर है तो ऑफ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, परसेंटेज हटा के नीचे डिनोमिनेटर में 100 का मल्टीप्लाई कराइएगा और आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ 8.5% ऑफ अ नंबर इज 68, फाइंड दी नंबर, सो लेट दी नंबर बी एक्स, लेट दी नंबर बी एक्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो देखो पूरा सेम एज आपको वैसे ही नोट होगा दिखेगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8.5% ऑफ अ नंबर, 8.5% ऑफ अ नंबर
इज 68, ओके, सो 8.5% ऑफ आ नंबर, लेट दी नंबर, क्या लेट किया नंबर x, तो आ नंबर की प्लेस पे x, एंड इज मतलब इक्वल 68, ओके, और ये आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर ई, ओके, जैसे ई को सॉल्व किया वैसे आप एफ को सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड होगा, ओके, सो बाय, टेक केयर।